इवनिंग गाइस, आज हमारे गांव में रिटायरमेंट की पार्टी है और हमारे टीचर थे ड्राइंग टीचर सुंदर सिंह जी, उनकी रिटायरमेंट है। बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आज बारिश ने थोड़ा सा मौसम ख़राब कर दिया भगवान ने, और उनको रिसीव करने जा रहे हैं। तो कहते यार जाना नहीं पार्टी नो, तो हम सब लोग सब अपने दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो रोड चार हो गया, मैं सिद्धार्थ को चकमा दे करके भाग रहा हूँ, नहीं तो मेरे पीछे पीछे आएगा। चलते और ड्राइंग सर की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होते जा करके। मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश ना बाकी रहती है, थोड़ी थोड़ी किड़ियाँ लग रही है। इनको बधाई देता हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर घर पे रेस्ट करके कपड़े वगैरह चेंज करके पुल के ऊपर घूमने आया हूँ। और यहाँ पे ना आज मौसम बहुत सही है, रात को डीजे नाइट हुई है। जो हमारे टीचर है उनका लड़का हमारा दोस्त है, और उन्होंने बोला है कि हमने स्पेशल रात को डीजे नाइट रखी है, तो रात को ज़रूर आना। तो ना रात को हम लोग सभी इंजॉय करेंगे, हो सके अगर पहाड़ी गाने में तो फिर नाटी भी करेंगे, क्योंकि मेरे को क्रेविंग होती है पहाड़ी गानों के ऊपर नाचने की। तो नाटी मेरे लिए बेस्ट है, पंजाबी गानों पे भी नाच लेता हूँ, पर मेरे को नाटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे को होता है कि मैं अपना हिमाचल का कल्चर जो है उसको प्रमोट करूँ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड इवनिंग गाइस, मम्मी ऑफिस से आ चुके हैं और मम्मी पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट में क्या बना। मम्मी वहाँ पे था टिक्की, भल्ले पापड़ी, नूडल्स, गोलगप्पे, पानी, कॉफ़ी, हलवा, फिर मिक्स वेज, दाल मखनी, शाही पनीर, मटर मशरूम और कड़ी भी थी शायद, चावल, रायता, पूरियां, मंडे। बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा था। पता क्या हुआ, एक इंसिडेंस हो गया मेरे साथ। सामने ना सारे हम लोग बैठे स्टेज के सामने ना, तो हम भी ड्राइंग सर के पास पड़े हुए सब, तो राम सर स्टेज के ऊपर स्टेज सेक्रेटरी बने हुए थे। तो उन्होंने ना बोला कि पहले अतुल को बोला कि अतुल जाके स्टेज के ऊपर बोले कुछ उनके बारे में, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर मेरे को बोला, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या बोलूं, एकदम से अचानक से, कुछ तैयारी नहीं कुछ नहीं, पर मैंने फटाफट से जो था बोल दिया, मैंने तारीफ की सर की। हाँ, पर फिर भी थोड़ी तैयारी हो ना, बंदा एक आधा शेर बोल देता है उनकी तारीफ में, पर मैंने बोल दिया। पर मेरे को ये था कि यार क्या हम स्टेज के ऊपर स्पीच नहीं दे सकते, फिर मैं सोचा कि आगे के लिए प्रैक्टिस किया करूंगा सिद्धार्थ के साथ, है ना सिद्धू? किधर गया? बीट मेरे को ध्यान नहीं, एकदम से उन्होंने आवाज लगा दी। रिटायरमेंट का क्या हुआ गाड़ी में? अच्छा लग रहा था, उनके लड़के ने सरप्राइज दिया, उनको पता नहीं था। गाड़ी लेके आए थे ना लैंडी जीप, डेकोरेशन करके। हाँ मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने वीडियो बना रखी उसकी। गाड़ी नहीं ली थी, सनरूफ वाली गाड़ी लेना। ऑफिस में भैया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मम्मी का चैनल खुलवाते हैं यूट्यूब पे ना। अब मम्मी रिटायर तो हो जाना ना, जब तक रिटायर होंगे तब तक मम्मी वीडियो बना लेंगे ना। रोज भी रोज वीडियो बनाना पड़ा, मैं बता एक बस मसी छुट्टी नहीं। मम्मी आप क्या बोल रहे थे कि चैनल बना लोगे, मेरे से लोग की बातें सुन जाती। लोग पता नहीं कुछ कुछ बोल देना, क्या बोलते लोग कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब बिना समझे बोल देंगे ना लोग। तो आपका अगर हम लोग चैनल बनाए तो आप उसको चला लोगे? मम्मी का चैनल खुलवा देते हैं यूट्यूब पे। मम्मी आप क्या सोच रहे हो? मैं नहीं सोच रही, ये चाय आपकी है। अच्छा आपकी चाय है ना, मैंने ऐसे उठा ली। मम्मी का चैनल, मम्मी का चैनल पता क्या रफ एंड टफ होगा ना, इसलिए चलेगा। मम्मी फिर हम पता क्या बोलेंगे, मम्मी आज बना लो वीडियो बना लो और खाना बना लो, जैसे आप हमें बोलते हो ना कि वीडियो बना लो और कुछ बना लो खाने के लिए, तो वीडियो के बहाने से आप कुछ ना कुछ खाने के लिए बना लिया करोगे, है ना। और प्रिया फिर मम्मी ने वीडियो के लिए काम किया करेंगे, जैसे वीडियो बनाने के लिए हम काम करते हैं ना, वैसे मम्मी भी काम किया करेंगे वीडियो बनाने के लिए। नहीं, हम तो भी वैसे, तू वीडियो के लिए काम करता हो, हम तो वैसे भी काम करते हैं। तू सबसे ज्यादा काम तू ही करती है ना। मेरी बात सुन, हां जी मैं तो वेली ना, मैं थोड़ी वीडियो देखनी है, मैं देखनी है किन्ने। फिर पता क्या होगा, जब मम्मी रिटायर आएंगे ना, फिर मम्मी हमें ये काम करो ये करो ना। मम्मी बाल्टी लेकर घूमी जाना आगे पीछे, सिद्धार्थ बाल्टी लेके नहीं घूमना ना। फिक्की चाय है ना, प्रीति ने मम्मी के लिए चाय, फिक्की चाय है। कई बार ना मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि फिक्की है, नहीं दे रही, मैं कुछ बोलना ना दीदी, फिक्की में चीनी है इसमें।
माऊ नहीं मट रहे कहाँ माऊ से पत्ते हिल रहे तो सिद्धार्थ बोले कि माऊ है माऊ नहीं है वो पत्ते हवा से हिल रहे हैं हवा से हिल रहे हैं मम्मी के रिटायरमेंट पे या तो हम जागरण करवाएंगे या फिर पहाड़ी धाम बैठ के है जागरण करवा लेंगे और जो उसकी पहाड़ी धाम होगी ना ये डीजे है रात को डीजे नाइट है मैं जाना उधर मैं यही बोलने वाली थी हाँ उन्होंने स्पेशल रखी कहते हाँ कहते एंजॉयमेंट नहीं हो पाया तो सचिन बोल रहा था कहते रात को डीजे नाइट पे एंजॉय करेंगे डिनर भी होगा पर मैंने भी करना मैंने कर रखा पहले मेरे पेट गर्मी लगेगा एक दो दिन में हमारी ब्रांड बच जाएगी कौन संभालेगा जैसे इन्होंने वो किया ना रिटायरमेंट गाँव में देखी है इनकी इनकी रिटायरमेंट पता क्या एक तो नजदीक था स्कूल ना तो यहाँ से पैदल गए और काफी लोग हो गए थे स्कूल का स्टाफ भी स्कूल के बच्चे भी स्कूल में चाय पकौड़े दिए और 5 दिन पहले इनका बर्थडे था सर का तो उस दिन मटर पनीर दाल मखनी मिक्स वेज और चावल स्कूल में भी पर वो स्कूल वाले ने दी अपनी तरफ से पार्टी स्कूल के स्टाफ ने पर अच्छा हुआ प्रोग्राम बहुत अच्छा है मतलब उनको काफी टाइम हो गया और हमने भी ड्राइंग सीखी है हाँ क्या करूँ फिर बना दूँ आपका अकाउंट आपका अकाउंट बना दूँ फिर मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी का ना गूगल पे फोन पे ना अकाउंट बना दूँ क्योंकि मम्मी ने रिटायर होना तो मम्मी की पेंशन आएगी मम्मी बैंक से तो ना निकालने जाएंगे ना हाँ। शाम को ना मैं आकर के लेट गए बैठ के ऊपर मेरे पास आया प्रीति बग्गा निन्नी फिर मेरे को आया उत 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 उंगली पकड़ के था उत 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 पता क्या जब इन इनसे थक जाता ना जब तो उठना खेल के थक जाता ना है फिर मेरे को आंदा बग्गा बग्गा उत 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 पुराने कोई बुजुर्ग है पिछले जमाने का हां पूरा समझदार सब कुछ बोलता हर एक बात बोलता है आज पता क्या बोल रहा था पुट्टू मामू कल पाली भाई को बोल रहा था मैं पुट्टू राजनानी हाँ ताऊ को नानू सबको नाम सबको बोलता है अगर आपने जाना तो जा सकते आपको बोला उनकी अपनी मम्मी को बोल देना शाम को चलना पर खाना नहीं होगा मम्मी शाम को ऐसे डीजे नाइट मम्मी रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो किसको देंगे आप अच्छा मम्मी अगर मैं मतलब कुछ काम धंधा ना करता होता तो फिर आपने मेरे को पैसे दे करने थे हैं क्यों तेरे ही है हुन भी तेरे ही है फिर भी तेरे अच्छा मम्मी ऐसे होता नहीं कि अगर बच्चे तू मेरी सेवा करूंगा हां उन्नी दिन पेंशन मम्मी ये तो फिर लाल चाहिए नहीं फिर मैं इनका नहीं सेवा कर लालच नहीं चाहिए मेरे को ये बोलो कि हमारे बच्चे अच्छे क्या बोलना मेरे को ये तो मेरी सेवा करनी तेरा ही सब कुछ अच्छा पैसे देके सेवा करवानी आपने हां रिटायरमेंट नो वैसे एक तरह की शादी होती है वो है ना मम्मी जो दीदी मेरे वाले मम्मी जो हिमाचल की वो नहीं है एक्ट्रेस कंगना रनौत उनकी मम्मी है ना जो उन्होंने आज कल अपने इंस्टा अकाउंट में ना पोस्ट डाली हुई थी कि मेरी मम्मी दिन में खेत में 7-8 घंटे काम करते हैं कंगना रनौत ने डाली हुई थी पोस्ट ना अपने उस इंस्टा पे कि मेरी मम्मी दिन में ना खेत में 7-8 घंटे काम करते हैं और कोई उनसे मिलने आता है ना तो उनसे पूछते हैं कि कंगना की मम्मी कौन है तो वो बोलते हैं कि उनको पानी वगैरह पिलाते हैं चाय वगैरह पिलाते हैं फिर वो बोलते हैं कि कंगना की मम्मी मैं ही हूँ कहते लोग यकीन नहीं मानते कि आप कंगना का मम्मा कहते बस टिक्का पता क्या बोलते कंगना कहते बस मम्मी का एक ही वीक पॉइंट है कि वो मेरे साथ बॉलीवुड में नहीं आ जाते कहते मैं गांव में रहना चाहती हूँ और बाहर का खाना भी नहीं खाते कहते वो खेत में 7-8 घंटे काम करते हैं उन्होंने पोस्ट डाली पूरे खेत में और आंटी काम कर रहे हैं हमें हम भी मिल के आएंगे उनके गांव में ना चले कभी चले आंटी से मिलने मिल लेते हैं वो सबसे आप लोग कमेंट करके बताना कि कंगना रनौत के जो मदर है वो ऐसे लोगों से मिल लेते हैं पर उन्होंने जैसे बताया ना उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी आता तो उनसे मिलते हैं उनको चाय बन पिलाते हमें उनको लगा अपने मिट्टी से अपने खेतों से अपने काम से अपने कल्चर से आपका तो नहीं है ना मम्मी को लगा अब घूमने फिरने से गोवा मुंबई घूमने से
मम्मी मम्मी रिटायरमेंट के बाद आपकी मन नहीं है कि मैं चार धाम की यात्रा करूँ या कोई ऐसे? फिर उसके बाद तो आपके गोडे चलने, थोड़े गोडे होने तो दर्द कर लगे, ऐसे होता है मम्मी? सरकार इसीलिए रिटायर कर देती बंदे को क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता, चल फिर नहीं सकता ना काम कर सकता है। साल साल का एक एक फंक्शन करना, कभी पुण्या कर ली, कभी सोमपति मस्या कर ली, कभी वो कर लिया खाटू श्याम, राजस्थान में वो मम्मी आपको और आंटी को ना, मेरी मम्मी और आंटी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना जब दोनों, पर इनके ये एक हमें वीक पॉइंट है कि जब दोनों एक साथ होते ना फिर हमारी वीडियो नहीं बनती, ये अपनी बातों में लग रहे थे पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। बस अंग्रेजों को देख ले मम्मी, आपने मेरी वीडियो देखी, मेरा स्टेटस देखा? तू पानी चक्का खोलता है ना, ओ ही हुंदा जरूर खोलनी चाहिए, पानी चाहे अखा खोलो, ऐसा पानी चक्का खोलो बहुत अच्छा हुंदा अखा वास्ते, फोन मिलदा फोन पढ़िया क्या क्या किया शेर पुत्र मम्मी आपने देखी उस वीडियो, मैंने पानी के अंदर बनाई है फोन के साथ आई क्लाउड से डाउनलोड हो जाती है, आई क्लाउड से होती है डाउनलोड, मैंने आई क्लाउड में अपलोड नहीं करा था, मैं भी नहीं किया था। तुम देखा मम्मी का वीडियो? नहीं मैंने भी नहीं देखा था। कॉस्ट्यूम थे आपके? मम्मी ना जब हम लोग बैसाखी के टाइम पे नहाने जाते ना तो मम्मी दरिया में स्विमिंग करते थे, तो मेरे को मतलब उस टाइम हमें डर लगता था, मम्मी हमें खींच खींच के नहलाते थे तो हमें डर लगता था पानी से गहराई से, लेकिन मम्मी उस टाइम में भी स्विमिंग करते हैं। और काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपको स्विमिंग भी आती है, मैंने कहा हाँ स्विमिंग भी आती है, कहते कहाँ सीखी, मैंने कहा मैंने खुद सीखी है और मम्मी को भी आती है, मैंने कहा हमें हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, मम्मी को भी स्विमिंग आती है, है आपको भरत जी को भी थोड़ी थोड़ी आती है, पर उनको मैंने सिखाई थी जब हम सैसल में रुके थे ना तो मैंने थोड़ी थोड़ी सिखाई थी उनको। क्यों अगर भारत जी जब नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे दोनों मम्मी जब तुम रिटायर हो जाना ना मम्मी फिर अस तीन जाया करा घूम, ठीक है? दोनों खाने चटोरे तुसी है ना, हुण एक सिद्धार्थ भी होगा चटोरा नाल। देखो ये होती है गांव की लाइफ, काम भी करते साथ साथ और हाँ तो ठीक है बस मस्त में करने। मम्मी आप ना मटर मत, मम्मी आप ना मटर मत छीला करो क्योंकि आप मटर इतने सारे छील, मम्मी आप इतने सारे मटर छील लेते हो फिर ये सारे उठा के चावलों में डाल देते, आधा किलो तो आधा किलो ही किलो मटर सब्जी बनाई पाई है, पर मम्मी सब्जी बहुत टेस्टी बनी हो, नहीं मम्मी बहुत टेस्टी लगी मेरे को, मिक्स वेज में आलू डालता हूं, आलू कभी नहीं डालते जब तक मिक्स वेज में थोड़ा बहुत आलू नहीं डाले अब्सॉर्ब कर लेते हैं पानी, हां पानी अब तो होएगा, मैंने सारे कपड़े उठा के रख दिए हमने, मैं रुक गया, मटर ताजे ताजे है ना मम्मी, वो सूट है जो हमने शिमला में चेंज करके लाए थे वही सूट, मम्मी को मैंने इतने कुछ लेके दिया, शॉल दी थी एक सूट लेके दिया मम्मी, पता नहीं तेरे पर्स पे मम्मी मजाक ही बना रहे, हां है ना जो मैं पर्स लेके आया ना, कोई बात नहीं मैं उसको OLX पे भेज दूंगा, रहने दो जब मैं कहने को तो यूज करूं, जब मैं अपने ससुराल जाया करूंगा ना तब ले जाया करूंगा उसको फिर मैं पता क्या बोलना ले मुकलावा ला सड़के सड़के चेजे माइया कहता चेजे माइया भारत को बग्गा को भात मम्मा को, फिर कहता फिर बार मम्मी इसको डोगरी का कहता कुत्ता कुत्ता को भाजाचा को सबको चेजे माइया मम्मी, फिर तो लड़की को आया हमारे रिश्ता अलग है तेरा रिश्ता अलग है ना मम्मी, हमारा मन लग जाता वहाँ पे दुकान पे बैठो तब तो टाइम का पता चलता है ना, अभी नहीं मैं साहिल गए, साहिल कह रहा मैं दादी से मिलूं, मैं कौन दादी तेरी, दादी की नानी, दादी बोलते हैं उनको,
आंटी का नेचर पोलाइट है ना, इसलिए आंटी को सब लोग, सब बच्चे लाइक करते हैं। जब यहाँ पे आए थे ना, जब आपने गोवा जाना था तब बोल रहे, कहते अगर तेरे मम्मी नाल हो ना, कहने पे मेरा मन लग जाता सहेली वांगू। पता क्या, हाण नूं हाण प्यारा हुंदा, एज दा फर्क पैंदा ना। मम्मी मम्मी आप क्या लसन चल रहे हो? मम्मी बार मम्मी लसन मैं दे भी दिया अपने दोस्त को। किनो मैंने आपको बताया ना कि जब आप एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो उनकी वाइफ ने देखा, कहते ये तो दीपक की मम्मी है। तो बोला, कहते आप कैसे जानते हो? उसने बोला, अच्छा, कि आप कहते उन्होंने बोला कि मैंने उनको यूट्यूब पे देखा, दीपक ने तो कभी बताया नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं बताया। पर अभी मैंने पूछा नहीं उससे, टेस्ट करके देखा या नहीं। वो बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ, हमने ना रुकमताई को वो दिए थे नींबू, है ना, तो उन्होंने डिब्बा भर के अचार का भेजा और बहुत अच्छा अचार है। प्रीति दिखाया तूने वीडियो में? नींबू लगे थोड़े मम्मी, नींबू दो चार लगे थे, मैंने उतार लिए, वो अंदर रखे थे मैंने। हाँ, नींबू दे रखे हैं दोस्त, कहते हैं नींबू का अचार जो है ना, जैसे कहते हैं हमने अभी डाला तो अगले साल तक तैयार होगा, कहते वो। मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को लेके ना किन्नौर चले, किन्नौर के सांगला में ना होली सेलिब्रेशन होता है बहुत अच्छा, पर मम्मी की कमर दर्द करने लगेगी गाड़ी में, 12-13 घंटे लगेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पुराने पुरानी है, सबसे पुराने शहर है वाराणसी ना। 4-5 घंटे लगेंगे। तू पितरा जाकर दे दी साड़ी मेरी। हाँ, वो पितरों का भी हमने पूजा का वो करवाना है, जाकर ना कर लेते हैं, अभी प्लान कर लेते हैं। बस सारे काम कर रहे हैं टाइम। और मैंने एक मतलब वैष्णो देवी माता माता लेके आए हम लोग। वैष्णो देवी माता का अब ना उसमें वो चलती है। मम्मी पता क्या करना, मेरी बात सुनो मम्मी, सैटरडे को यहाँ से, फ्राइडे को यहाँ से निकले, ठीक है, रात को हम सुबह पहुँच जाएंगे, मतलब 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो चलती है इलेक्ट्रिक कार, वो भवन तक लेके जाती है, उसकी बुकिंग करवा लेंगे।